हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आर्यन और आज आपके सामने लेकर के आया हूँ पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अनबॉक्सिंग, वो भी डेबिट कार्ड का। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कार्ड जो है बहुत ही प्रीमियम होने वाला है और सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल सोनरा टेक एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूँ कि ये आपका पर्सनल डेबिट कार्ड है। पर्सनल का मतलब आप इसको शेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे तरीके से पैकेजिंग इसकी की हुई है, ठीक है। ये इसका एड्रेस है नीचे, ऑफिस एड्रेस। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं जल्दी से। आप यहाँ देख सकते हो कि मेरा एड्रेस वहाँ पे मेंशन है, आप चाहो तो मेरे एड्रेस पे भी आ सकते हो, वैसे बहुत दूर है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा इस्माइलपुर डेबरा गाँव है, मैं गाँव से हूँ। और ये मेरे को जो है प्राइवेट कुरियर सर्विस, क्या कहते हैं, डिलीवरी मेरे को दे करके गया था पेटीएम ने। एक काम तो सही करता है कि वो जो है सरकारी सरकारी कुरियर सर्विसेज को नहीं देता है। तो ये हमारा आ गया लेटर, वेलकम लेटर। इसमें आप देख सकते हो सब कुछ मेंशन है, एड्रेस और कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशंस। तो आप चाहो तो इसको पढ़ भी सकते हो या स्किप भी कर सकते हो, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और साथ ही साथ उसमें आपको स्टेप्स भी बताए हुए हैं कि अगर आपका कार्ड मिल जाता है तो आप इसको कैसे एक्टिवेट करते हैं। तो दोस्तों, कार्ड कार्ड की डिलीवरी रिक्वेस्ट देने के लिए और कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। तो देख सकते हैं कि आप बहुत ही ओपी कार्ड है, आप फील कर सकते हो कि बहुत ही प्रीमियम टाइप का कार्ड है, बिजनेस टाइप का कार्ड है। इसमें आप देख सकते हो कि आपको कॉन्टैक्टलेस फैसिलिटी मिला हुआ है। जिन भाई लोगों को नहीं पता है कॉन्टैक्टलेस का मतलब क्या होता है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि कॉन्टैक्टलेस वो पेमेंट सर्विस है जो हम स्क्रैच नहीं करते हैं। मतलब कहीं भी अगर जाते हैं तो हमें स्क्रैच करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली हम लोग कार्ड उस पर टच कर देंगे, वो ऑटोमेटिक पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो देख सकते हो कार्ड बहुत ही ओपी है, कार्ड मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। मैंने ये वीज़ा कार्ड जैसे ही आया था तब उसी समय हम जो इसकी डिलीवरी रिक्वेस्ट कर दिया था, और थोड़ा सा डिले हो गया इसकी डिलीवरी में कोरोना की वजह से। पर मैं 100% श्योर हूँ कि आपके साथ ये नहीं होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।